नाक की फूली माँ, हाथों की चूड़ी माँ, छुबे ते को लागो रे सिसोन जैसी तुरे पानी लगी छी तुरे। बोला यार मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। क्यों नहीं धोऊंगी? मैंने कहा मैंने साड़ी पहनी हुई है तो आज घर का जो भी काम है ना सारा आप करोगे, मैं नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिम क्वांट ब्लॉग में। तो बस यार नई दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग होगी यार। जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से हो रही है और सुबह से कंटिन्यू बारिश आ रही है। कल परसों दो तीन दिन हो गए लगातार कंटिन्यू बारिश आ रही है और मौसम ऐसा हो रखा ना यार, नीचे देख के मतलब जब न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं ना वो देख के इतना दिमाग खराब हो रहा। हिमाचल में और पंजाब में दिल्ली में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया सारी, आजकल इतना ज़्यादा वो हो रहा ना। और पहाड़ों में भी है यार, पत्थर वत्थर गिरने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आजकल कहीं ट्रैवलिंग करना तो बहुत ही मतलब बहुत ही रिस्की है। हम गए थे तुंगनाथ और वहाँ से आने के बाद मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब थोड़ा हल्का सा नहीं होता सर दर्द वगैरह हो गया था। तो मैंने एक दिन ब्लॉग नहीं करा। और क्या हुआ कि मैं सुबह उस दिन जब तुंगनाथ गई थी ना तो मैंने क्या करा नहाई और उसके बाद क्या था ये दलिया और दूध दलिया। तभी लोग बोलते हैं जब सफ़र में जाते हैं ना तो दूध नहीं पीना चाहिए क्यों उससे वो हो जाता। तो मेरा भी वैसे सर दर्द सा हो रहा था और तो दो तीन दिन तक मेरी ऐसी तबीयत ख़राब रही, मतलब ऐसा होता नहीं शीत गर्म टाइप का। तो भाई इतना मज़ा आया ना तुंगनाथ में यार, इतना ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा हमने। और बारिश भी थी पूरे दिन भर बारिश थी पर कोई एहसास ही नहीं हुआ बारिश का और मज़ा आया। तो बस अभी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर रही हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी। और मेरे को आज मन कर रहा था साड़ी पहनने का क्योंकि घर में रह के बोर हो रहे थे क्या ही करूँ, तो मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहन लेती हूँ। और आज मैंने इनको बोला यार मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। क्यों नहीं धोऊंगी? मैंने कहा मैंने साड़ी पहनी हुई है तो आज घर का जो भी काम है ना सारा आप करोगे, मैं नहीं करूँगी ऐसे मजाक करने के लिए। तो मैंने कहा आज मैं बर्तन भी नहीं धोऊंगी। तो फिर ये कहता है चलो कोई नहीं ठीक है ठीक है, पर मैंने कहा नहीं यार मजाक कर रही हूँ मैं। तो बस यार बारिश अभी भी ना कंटिन्यू बारिश आ रही है, सुबह दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखना पूरी बारिश आ रही है बाहर, मैं अंदर ही से दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बाहर बारिश आ रही है। और ये अपना स्कूल का होमवर्क और ये है मैंने साड़ी कुछ इस टाइप से पहनी है और चुटिया बनाई है, पास से दिखाती हूँ ये। पता क्या बहुत ज़्यादा पतली लग रही हूँ मैं क्योंकि यार मैं आजकल बहुत पतली हो गई हूँ, नहीं से कि पता नहीं कैसे हो गई मुझे, देखना पतली पतली सी लग रही हूँ ना, पर कोई बात नहीं इतना ठीक है। अभी किचन में जाना है, किचन में बर्तन वगैरह धोना है, किचन वगैरह साफ करना है, तो फिर मिलती हूँ मैं। और खाना खुना भी बन गया हमारा, तो पहले मैं थोड़ा बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। तेरी परु दिन कटी रात कटी, बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी। याद माँ तेरी परु दिन कटी रात कटी, हाथों की चूड़ी माँ छुबे ते कोला गोरे सुन जैसी तुरे पानी लगे तुरे परुली पानी लगे तुरे पानी लगे तुरे। और मेरे कपड़े धो रखे अनन्या लोगों के, सबके कपड़े धो रखे बाहर पे और अभी सूखे तक नहीं है कपड़े, क्या करें यार सारा जीवन अस्त व्यस्त। और आज मैंने पहनी है चूड़ियाँ क्योंकि मैं सावन में लोग ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं। दोस्तों क्या बारिश आ गई, मेरा हमारा पानी बंद हो गया और बारिश देख रहे हो कितनी कंटिन्यू बारिश आ रही है। ओह माय गॉड, मम्मी यहाँ पे कर रही है सफाई। मम्मी को गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद, जहाँ भी हम जाते वही गंदा गंदा। तो हम देखो अभी मम्मी इसे जुड़ा रही, खाली ये सस्ता का बस्ता निकला। देख सस्ता का बस्ता, ये बार बार टूटने पे लगाया तो क्या फायदा लाने का, कपड़े रखो तो ये सीधा टूट जा रहा है। तो कपड़े रखने के लिए ये बनाया है तो कपड़े रखेंगे नहीं। Thank you.
बाद मैंने साड़ी पहनी थी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद निकाल भी थी क्योंकि दूध लेने जाना होता ना, तो फिर दूध लेने जा साड़ी पहन के नहीं जा सकते। और बस अभी मैंने बर्तन वर्तन सब धो दिया है, खुद मैंने ही धोया है। मैंने बोला था मैं नहीं धोऊंगी, पर फिर भी यार क्या ही कर सकते हैं, मैंने ही धोए। फिर किचन वगैरह पूरा साफ करा और चाय वाय बनाई, फिर उसके बाद दूध लेने की। और अब बना रही हूँ मैं रोटी, चलती हूँ किचन में और रोटी बनाती हूँ। आ जा। मैंने तो सब्जी इन्होंने बनाई है और मैं बनाऊंगी। आज क्या बनी है? बीन्स की सब्जी। तो दोस्तों मैंने क्या ना फ्लिपकार्ट से एक ये ऐसी सूरेक मंगाया था, पर मैंने इसमें कपड़े रखे थे, पर यार इतना कवाड़ी निकला ना ये, मतलब एक बार के डालने से ही पूरा टूट गया है और पूरा उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। और पूरे मेरे कपड़े ऐसे बिखेर रखे हैं ना आज, तो मैं सोच रही हूँ इनको कैसे सेट करूँगी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी पूरा। इनको इन कपड़ों को कहाँ डालूँ, बैग वैग। तो दोस्तों कल जो मिठाई लाए थे ना, मैंने तो अपनी सारी खा दी, मेरे 3 बचे हैं, पूरा पाव भर लाई थी मैं, और इतने पर रखे और एक और खा लेती हूँ यार, बहुत मन कर रहा है इसको खाने का। टेस्टी, बहुत ही मस्त लगता है यार, एकदम ताज़े लड्डू हैं ये वाले, देखना क्या चमक है। तो दोस्तों अभी सारा काम कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह सारा धो लिया है, किचन में जो भी चीज़ था सारा क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाई।